राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी श्री बांके बिहारी जी मंदिर से स्वामी श्री हरदास जी महाराज के सानिध्य में और साथ में बांके बिहारी जी का चित्रपट भी विराजमान है, पुत्रदा एकादशी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। आप सभी सबसे पहले तो बांके बिहारी जी के श्री चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करें और अपनी हाजरी बांके बिहारी जी के श्री चरणों में अर्पण करें। नमः कुंज बिहारिणी, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुणाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मुहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होय। हमारे जो व्रत की शुरुआत होती है वो एकादशी की कथा का श्रवण करके और उससे भी पहले हम बांके बिहारी जी के श्री चरणों में जो ध्यान लगाते हैं उससे होती है। और अब हम पुत्रदा एकादशी की पावन कथा का श्रवण करते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भक्त भी पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण करें। अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर श्रद्धापूर्वक विनती की, हे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण, अब आप पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और हे सखा, इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। कृपा कर मेरे इन सभी प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर दें। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन पूर्व में बताई गई विधि अनुसार ही करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी विद्वान और धनवान होता है। इस संबंध में जो लोक कथा प्रचलित है वह मैं तुमसे कहता हूँ, इसे श्रद्धा पूर्वक सुनो। एक समय भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के मन में भी इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंडदान देगा। उसके पितृ भी रो रो कर पिंड लेते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को बंधु बांधव मंत्री मित्र राज्य हाथी घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से ऊर्ण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुलता रहता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना व्यथित हो गया कि उसके मन में अपना शरीर त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हो गई। परंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है, अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग बाघ सुअर सिंह
बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे थे और कहीं मोर अपने परिवार के साथ खुशी से नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और अधिक व्यथित हो गया कि वही पुत्रहीन क्यों है। इसी सोच विचार में उसे दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? अपनी समस्या किससे कहूँ? कौन मेरी व्यथा को सुनने वाला है? यही सब सोचते विचारते राजा को प्यास लगी। उसका कंठ सूखने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ शगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होकर घोड़े से उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने उनसे पूछा, मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं? मुनि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वालों को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। यह जानकर राजा बोला, मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया कर मुझे एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आप इसका व्रत करें। भगवान नारायण की कृपा से आपके घर अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन व्रत किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आ गया। भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र उत्पन्न हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं है। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म को पढ़ता, सुनता तथा विधिपूर्वक इसका व्रत करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री नारायण की कृपा से वह प्राणी मोक्ष का अधिकारी होता है। कथासार, पुत्र ना होना बड़ा ही दुखपूर्ण है। उससे भी दुखपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें ही प्राप्त होता है जिन्हें साधुजनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में ईश्वर की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। तो आज हमने पुत्रदा एकादशी की पावन कथा का श्रवण किया और आप सब श्री बांके बिहारी जी की भक्ति करें। जब मन में हमारे ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना होगी तो हमारी समस्त मनोकामना भी पूर्ण होगी। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल श्री बांके बिहारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। Facebook पेज बांके बिहारी टेम्पल को लाइक एवं फॉलो करें। और इसी प्रकार श्री बांके बिहारी जी मंदिर से आरती का और कथाओं का आनंद लेते रहें। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।